किचन के लिए ये 9 उपयोगी टिप्स एक बार जरूर आजमाएं। नंबर 1, दही का खटास दूर करना। दही के अधिक खट्टा हो जाने पर उसमें थोड़ा पानी डालकर कुछ देर के लिए किसी कपड़े में बांध कर लटका देने से उसकी खटास निकल जाएगी। नंबर 2, दही को 7 दिन तक रखें। दही के पानी को आंच पर सुखाकर उसे 7 दिन तक रखा जा सकता है। जब चाहे थोड़ा थोड़ा लेकर सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, डिब्बे वाले भोजन। डिब्बे वाले भोजन को कभी खुला हुआ न रखें, इसके खराब होने का भय होता है। नंबर 4, मक्खन जम जाए तो जाड़ों में मक्खन जम जाता है, उसे डबल रोटी पर आसानी से लगाने के लिए छुरी को गर्म पानी में डुबा डुबा कर बिना सुखाए उससे मक्खन काट काट कर लगाएं। इस प्रकार सख्त मक्खन बड़ी आसानी से लगाया जाता है और खराब बहुत कम होता है। नंबर 5, स्वादिष्ट दूध। यदि जले हुए दूध को ठंडा होने से पहले गुलकंद और चम्मच भर चीनी डाल दी जाए तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। नंबर 6, खाने के मिलाव की जांच, या देखने के लिए कि खाने का मिलाव अच्छी तरह से फेटा गया है या नहीं। उसमें से थोड़ा सा मिलाव पानी में डालें, यदि वह तैरने लगे तो समझ लें कि ठीक तरह से फेटा गया है। नंबर 7, आटा चिमटता हो, यदि गूठा हुआ आटा चिमटने लग जाए तो थाली की ओर हाथ को थोड़ा सा घी लगाकर थोड़ी देर गूंथे। नंबर 8, बासी डबल रोटी। यदि डबल रोटी बासी हो जाए तो उसे भाप पर कुछ देर रखें और फालतू नमी सुखाने के लिए ओवन में रखें। नंबर 9, पनीर को ताज़ा रखने के लिए गीले कपड़े में लपेट दें और हर दूसरे दिन उसे पलटते रहें, ताकि स्निग्ध पदार्थ पनीर के बीच ऊपर से नीचे होता रहे और पनीर में ही रहे।